सबु परिमाणक भितरे सबुठारु शक्तिशाली परी सोनपरी थिला। सोनपरीर शक्तिर अंदाज लगे पारिबा केवल मुश्किल ही नुहे नामुमकिन थिला। आउ ए शक्ति सोनपरीर कठिन परिश्रमर फल थिला। सोनपरी ए सबु शक्ति परिश्रम करके अर्जन करथिला। एथिरे आउ कहारि भी हात नथिला। राणी परी पाखरे जदि कोनोसी महत्वपूर्ण काम रहुथिला ताहले से केवल आउ केवल मात्र सोनपरी को से काम दउथिला। परिलोकरे होउथबा जेते बड़ गंभीर समस्या होना काही कि तार समस्यार समाधान केवल सोनपरी ही करुथिला। केवल एतिकि नुहे, राक्षस मानक द्वारा परिमानक उपरे जेते मध्ये आक्रमण होउथिला से समस्तंकु सोनपरी ही केवल बंचौथिला। सुन परी माने सोनपरी कुआडे गले, जल्दी तंगो डाकी के आनो। आज्ञा महाराणी परी, एई एबे डाकी के आनुची। हां, तंको कहिबा मु डकेई पठैची, गोटे जरूरी काम अछि। आउ एही कारण थिला जोथि पाई कि परिलोकरे रहतुबा सबु परिमाने सोनपरी उपरे ईर्ष्या करुथिले। ये गोटे कोन कथा, सबु बेले राणी परिंग मुखरे सोनपरी ही नाही बारुची। एटा कोन ठीक कथा, तांको कोन आमे माने केही देखा जाउनो। कोन करि परिवे जे, सोनपरी तो बहुत शक्तिशाली, जदी आम पाखरे सेमितिका शक्ति थांता राणी परी आमको भी डाकी थांते। नाही नाही, सेमिति हुएनी, आमको ए कथा को गंभीरता नबाको पड़िबो। एगुडा को जहां भी किछि होउची सब भूल होउची। एटा केवल गोटे परि कथा नुहे, एटा सब परिमानक कथा। आमको एकजुट होबार अछि, आ समस्त मिसिकि से सोन परि के राणी परिंग नजर रे छोटो देखै रहछि। सब परिमानक लाल परि रे कथा ठीक लागिला, सेति पई सब परिमाने ता कथा सुनिबाकु लागिले। सुन, एबे समस्त शांत होइ जाओ, आ मो कथा ध्यान सहकार सुन। आमको एबे केवल गोटिए काम करियाकु पड़िबो। को काम? जेते बेले राणी परी सोनपरी को किछि काम देबे, सेते बेले आमको सोनपरी गरे किछि भूल बाहर करियाकु पड़िबो। आउ एमिति धीरे धीरे करिकि राणी परी सोनपरी रे विरुद्ध होइ जिबे। समस्ते ता कथारे राजी हेइ गले, आउ ठीक एमिति करिबारे लागि पड़िले। समस्ते ता कथारे राजी हेइ गले, आउ ठीक एमिति करिबारे लागि पड़िले। किंतु राणी परी को सोनपरी उपरे पूरा पूरी भरोसा थिला। सबु परी माने ता विरुद्ध रे जेते कुहंतु ना काहेकि, किंतु राणी परी सोनपरी को किछि भी कहु नथिले। सोनपरी भरी केही भी नाहंती, केवल तांकरी जगह हो आमे परिलोकरी सुरक्षित रहुचे। आउ जदि सी न रहिबे ताहले आमे एठी रहिबे रे योग्य हे परिबानी। सेथि पे मु सोनपरी विरुद्ध रे आउ किछि भी जेमती भूल न सुने। अरे पूर्ण थरे से राणी परी से सोनपरी रो गुणा गाया को लागिले। ई की कथा, सोनपरी न रहिले कोन आमे एठी के रहि परिबानी। लागुचे राणी परी के सोनपरी ऊपर अंधविश्वास अछि, जोटा की एते जल्दी भांगी बनी। आमको आउ गोटे किछि उपाय चिंता करबा को पड़िबो। मोना परी लाल परी कथारे सहमत नथिला। से सोनपरी को बहुत पसंद करूथला, आउ ताकु जणाथिला जे सोनपरी बहुत भलो। सेथि पई से आजि पर्यंत लाल परी रा कथारे केबे भी भासी जाई नथिला, आउ केबे मध्ये लाल परी रा साथ देई नथिला। किंतु सेपटे सबु परी माने सोनपरी सहित भल व्यवहार करू नथिले। सोनपरी जोठिकि भी जाउथिला सेठारु सबु परी माने चली जाउथिले। सबु परी माने इमिति काहे के करूछंती, मो से माने कर कोन खेती करिछि जे, मो त समस्तंग सहित भल व्यवहार करूछि। एई सबु लाल परी जगु ही होउछि। लाल परी जगु होउछि, किंतु सेइटा केमिति? लाल परी इमिति कोन करि देइछि? लाल परी ही सबु परी माने को तम विरुद्ध रे उस्कीछि। सीए चाहूची राणी परी तमको सेते गुरुत्व न दियंतु, आउ एई सबु कथा को नेकि से सबु परी माने को तम विरुद्ध रे उस्कीई देइछि। अच्छा, ताहले इमिति के कथा, किंतु ई त सबु भूल चिंताधारा। मोर इमिति किछि शक्ति अछि जोटा राणी परी कर कामरी आसुची, सेइथि पई त से मते काम दउछंती, किंतु से माने मो उपर ईर्ष्या करछंती। एईटा कोन गोटे कथा, सोनपरी एबे बिल्कुल एकुटिया होई सारिथिला। राणी परी को छड़ा आउ को परी माने तांकु डाकु नथिले। ए पर्यंत किछि एई पर्नी, एबे हमो किछि बड़ उपाय चिंता करिया को पड़िबो। एते छोटो छोटो जिंस रे किछि भी हबार नै। गोटी राक्षस परिलोक भितरे पसिबा को चेष्टा करूथला, किंतु सोनपरी से राक्षस मानकु परिलोक भितर को पसिबा को देउ नथिला। से निज शक्ति द्वारा राक्षस मानकु पराजित करि देउथला। गोटी दिन से राक्षस पुणी थरे परिलोक भितरे पसिबा को चेष्टा करूथला। सेतेबेले लाल परी रो नजर से राक्षस उपरे पड़िला। लाल परी से राक्षस को मारिबा को चेष्टा कला। तू केबे भी चिंता करिबुन जे मु तते भितरे पसिबा को देबी, कह को कारण नै कि तो ठीक आसीछु। मते सोन परी ठारु प्रतिशोध नबार अछि, से मोर बिल्कुल भी पसंद नहि, मो ताको जमारु भी छाड़िबिनि। अच्छा, ताहले तो शत्रु सोन परी, ताहले ठीक अछि,
ମୁଁ ତାକୁ ଧରେଇବାରେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କଣ ସତରେ ତୁ ମିଛ କହୁନୁ ତ? ନା ନା ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେମିତିରେ ବି ସିଏ ବି ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତୁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ଲୁଚିକି ରହିଥିବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠିକି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଲାଲପରି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସୋନପରି ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କଥା କଣ ସୋନପରି, କେମିତି ଅଛ? ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ତମେ କୁହ, ତମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କୋଉଠି ଥିଲ? ମୋ ସହିତ କଥା କାହିଁକି ହଉନଥିଲ? ହଁ ସେସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦିଅ, ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ଫସି ଯାଇଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାରେ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କୋଉ ଜିନିଷ? ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ନଗଲେ କେମିତି ମିଳିବ? ସୋନପରି ଲାଲପରି ସହିତ ଗଲା। କୋଉଠି ଅଛି ତମ ଜିନିଷ ପତ୍ର? ହଁ ସେଇଠି, ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ସେଇଠି ସେଇଠି। ସେତେବେଳେ ସେ ରାକ୍ଷସ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସୋନପରିକୁ ଧରି ପକେଇଲା ଆଉ ସୋନପରିକୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଶେଷରେ ତୁ ମତେ ଧରା ଦେଲୁ, ଏବେ ତୁ ଜମାରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁନି। ଏବେଠାରୁ ଏ ପରିଲୋକ ମୋର, ଏବେ ମୁଁ ଏ ପରିଲୋକ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିପାରିବି। ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପରିଲୋକରେ ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆଉ ଏ ସୋନପରି ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମତେ ରୋକି ଦଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଭେଜା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଆଉ ଏଇ ତାକୁ କଏଦ କରିଦେଲି। ଏବେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳି। ସେ ରାକ୍ଷସ ସବୁ ପରିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ସୋନପରି ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନଥିଲା। ରାଣୀ ପରି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମୋରି ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ଏବେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ତମେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ସୋନପରି ଜାଗ୍ରତ କର, ନିଜ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କର, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଏ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଚେଷ୍ଟା କର ସୋନପରି, ଚେଷ୍ଟା କର। ସୋନପରି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆଉ ଏକଦମ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ହେଲା ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷସର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଏବେ ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ସହିତ କଣ କରୁଛି। ରାକ୍ଷସ ସୋନପରିକୁ ଦେଖିକି ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କଲା। ସୋନପରି ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଧରିକି ଆଣିଲା ଆଉ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଶେଷ କରିଦେଲା ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷସର ଶେଷ ହେବାର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପରିମାନେ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କେବଳ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଭରସା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଲାଲପରି ଏବେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଥିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତମ ଲାଗି ବହୁତ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ଲାଲପରି ଏବେ ସୋନପରିକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ୟା ପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଗଲା।